यहाँ पे जो सम्राट राजा होता है उनकी सेवा के लिए राजा ही चाहिए और हनुमान जी महाराज को राजा नहीं थे। इस प्रकार जो चक्रवर्ती राजा हैं उनको राम जी ने हनुमान गढ़ी में जो है राज प्रदान किया और यहाँ का राजा बनाया, राजस्व किया। इस प्रकार हनुमान गढ़ी का राज प्रदान किया, उनको जो है राजा बना दिया पूरे हनुमान गढ़ी का। तो फिर अवश्य उसमें हनुमान सेवा करने लगे और जब राम जी विलुप्त हो रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो शुक्राचार्य हैं कलयुग में वो कई सारे अपने पंथ खड़े कर देंगे और कब्रों और मजारों की उपासना की जाएगी, जो मृत व्यक्ति हैं उनको प्रेत और शाकिनी मांग के उनकी उपासना की जाएगी। इस प्रकार हनुमान जी को जो है उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बना दिया, जहाँ पे जो हनुमान जी महाराज है उन्हीं भटके हुए लोगों को जो है सही राह दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मजार हैं, कब्रें हैं, वहाँ पर जो है लोग आजकल पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह सब जो है प्रतिष्ठित रूप में लिखा हुआ है, ये हम जो है झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे। ये देखिए, ये आप जो है आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको, जो भी इसमें लिखी हुई है हनुमान गढ़ी में सीता राम।